सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को मत दो। आज का पंचांग 2 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, रात्रि 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। सहरा से 2 मई 2024 दिन गुरुवार। आप एक आशावादी व्यक्ति हैं और आज यह बात सबको जानने देने और इसे लाभ उठाने का भी दिन है। इसे आपकी छवि एक प्रेरणात्मक वक्ता की भी बनेगी, जिसकी कोशिश आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। समाज में आपके संबंध जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में अब सुधार आना शुरू हो जाएगा। नई गतिविधियों में व्यस्त रहेगी, अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। आपको चमत्कारी रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई नजदीकी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। जिस प्रकार से आप अपेक्षा रखते हैं उसे पूरा करने में वक्त लगने वाला है, इसीलिए अपना संयम बनाए रखना होगा। लोगों के साथ बातचीत करने में कठिनाई महसूस होगी। आपको अपनी बातों पर ध्यान देते रहना है। दूसरों का साथ प्राप्त करने के लिए अपनी बातों में समझौता ना करें। काम की वजह से यात्रा करने का मौका मिलेगा, इस कारण एक और नया काम का अवसर आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए प्रसन्नता बनी रहेगी। कुछ बातों को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन आप सकारात्मक भी रह सकते हैं। महिलाएं विशेष रूप से अपने मान सम्मान का ध्यान जरूर रखें, सिर्फ गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। अगर यात्रा पर जाना पड़ रहा है तो अपने सामान की उचित देखभाल करनी होगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। विपरीत परिस्थितियों में घर के सभी सदस्यों का आपके लिए सहयोग आपको आत्मबल प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में भी निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। आप जिसे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह भी मिल सकती है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो, इसलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद कर लें। बात करते हैं करियर की। आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतने की कोशिश करेंगे। इसके कारण आपके करियर पर सकारात्मक प्रभाव भी। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अपने व्यवसाय संबंधित कोई योजना है तो उसे कार्य रूप देने की भी कोशिश जरूर करें। आर्थिक रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे और इस कारण काफी बेचैनी महसूस कर रहे थे। आज का दिन वही सब शुरू करने के लिए काफी अच्छा दिन है।
आप स्वास्थ्य को अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आज आप इसके लिए प्रयास शुरू करेंगे। व्यायाम करते हुए सही तरीके का पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं भी तो आप गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।